विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग करिकुलम एंड सिलेबस, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इनकोरेक्ट है, मैं सॉरी 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 सॉरी, इस नूं थोड़ा जिहा अगे कर लीए, पंजाबी वाला भी पढ़िया जाएगा, इनकोरेक्ट, इनू इनकोरेक्ट नूं मैं अंडरलाइन कर लूँगा, सर्कल कर लिया कि गलत वाला लभना है। सिलेबस नैरो हुंदा है जी, मैनू पता है बिल्कुल, अक्सर ये मोस्ट कॉमन करवाया जाता है, सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम, ये सिलेबस है, ये करिकुलम है, वाइडर हुंदा है, ठीक, इट मीनस ये ठीक है, मनिया जाता है। करिकुलम कंसिस्ट द लिस्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स, लिस्ट ने मैनू तंग कर लिया, जो मैं डेफिनेशन करिकुलम की पढ़ी सी, उस पाया सी करिकुलम नू कदे भी डिफाइन करना, मैं अलग तो ये वीडियो पब्लिश कर दांगा कि जिन्ने कंसैप्ट मैनू तुसी दिओ मैं सिंगल वर्ड दे विच उसनू डिफाइन करांगा, ईवन थ्यूरीज नू दो चार पांच शब्दां विच सेंटेंसेस विच डिफाइन कर दांगा, ओ एक बारी रिवाइज करो तुहानू कंसैप्ट सामने आ जाएगा। तो सेंट्रल वर्ड की है, करिकुलम दा सेंट्रल वर्ड जिस तरह मैनू याद रखना हाँ, मैं सी चक्की इत्थे, सी उसका ई बनाता और उसनू क्या एक्सपीरियंस, ओके, जे होर वाइड रखना है टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, ऑल एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस है उदे विच जो एक्सपीरियंस की गल करते हाँ उत्थे एक्शंस जां एक्टिविटीज नाल आ जांदियां हन, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब है क्योंकि ये लर्निंग नू जो डिफाइन करते हैं एक्सपीरियंस सेंट्रल है, उस तो बिना लर्निंग भी डिफाइन नहीं होंगी। सो एक्सपीरियंस सोशल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, कोग्नेटिव भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है, किसी भी तरह का। इट मीनस एक्सपीरियंस सानू तीन डोमेन्स, मेरे ख्याल च मैं इत्थे ले जाके दसा ज़्यादा बैटर है, इसनों इस तरह लर्न कर सकते हैं तुसी, ओके ये लिखिया करिकुलम, करिकुलम, ओके करिकुलम दी सी नू बना लिया मैं ई, एक्सपीरियंस, ओके एक्सपीरियंस दे नाल अगे लिख लिया टोटल, टोटल, ओके एरो दे दिता, और एक्सपीरियंस की है लर्निंग द सेंटर है, इस तो बिना लर्निंग नहीं हो सकती, और एक्सपीरियंस कादे कादे विच हो सकता है, नंबर एक जिससे उस तरह लर्निंग उस तरह एक्सपीरियंस हो सकता है, कलर चेंज कर लीए, ए ए वाला ए हो गया नंबर एक, एक्सपीरियंस कॉग्नेटिव भी हो सकता है, ओके एक्सपीरियंस को नेटिव भी हो सकता है, साइकोमोटर शारीरिक हरकतों वाला एक्टिविटीज वाला, एक्सपीरियंस सोशल भी हो सकता है, और एक्सपीरियंस अफेक्टिव इमोशनल, इमोशनल भी हो सकता है। कोग्नेटिव इत्थे ला लो नॉलेज बेस्ड के लिख दिता है, इत्थे कोनेटिव फिजिकल मोटर एक्टिविटीज, जिहड़ा भी शब्द समझ आता है। हुण देखो सारियां डोमेन्स शामिल हो गई हैं, दैट इज वाई टोटल है, है ना। सो करिकुलम एनी गल है, दूसरी तरफ जिहड़ा सिलेबस है वह तुहाडे टॉपिक्स ने, वो सिर्फ उहदे च सिलेबस की डोमीनेट करता है, वापस चल के इत्थे दुबारा देख सकते हैं सिलेबस की डोमीनेट करता है, सिलेबस विच सिर्फ नॉलेज डोमीनेट कर रही है। सो बड़े डिफरेंस ने, क्योंकि मेरी बुक है करिकुलम ते बीएड दी, शायद तुसीं पढ़दे भी होवो, उहदे विच बड़ी डिटेल विच एनालिसिस किया गया है। करिकुलम हमेशा ही वेरिंग हुंदा है, एक स्कूल का करिकुलम कदे भी दूसरे स्कूल के करिकुलम ना नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उन्हां दी एक्टिविटीज दूसरे स्कूल दी एक्टिविटीज तो वक्खरियां हुंदियां हन, लेकिन सिलेबस सारा ही स्कूलों का सेम हुंदा है, क्योंकि वो बोर्ड द्वारा निश्चित किया गया हुंदा। बड़े यूनीक डिफरेंसिज ने, वह तो अजे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। सो इत्थे क्लीयर है मैनू, इस लिस्ट शब्द ने, एक शब्द ने, मैं तुहानू दस दिया बार बार कि जिहड़ियां टैग वर्ड दियां वीडियो है बड़ियां गाइड कर रही हैं। सो लिस्ट इत्थे एक टैग वर्ड है जिहड़ा मैनू गाइड कर रहा है कि करिकुलम ना मैच नहीं करता, ये सिलेबस ना मैच करता है, इसलिए ये रोंग है और इन्होंने इनकोरैक्ट ही पूछा है, मैं राइट आंसर इसनों लगावांगा। अगे सिलेबस दे, ये सिलेबस दी डेफिनेशन बन रही है, लिस्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स सब यूनिट्स टॉपिक्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट,
ए सब्जेक्ट, करिकुलम एक सब्जेक्ट का नहीं होता, करिकुलम टोटल सब्जेक्ट्स का होता है। अगला पढ़ लिए, करिकुलम वर्क्स टूवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ ऑल स्टिपुलेटेड टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखो ऑल आ गया ना, टोटैलिटी फिर आ गया। मैं एक दसना सी कि जिहड़ा ऑड मैन आउट किदा निकलता है, ऑल शब्द जिहड़ा है टोटल नूं दस रहा है, होलिस्टिक दस रहा है, और इत्थे लिस्ट शब्द टोटैलिटी नूं नहीं दस रहा, एक सब्जेक्ट टोटैलिटी ने, यह स्पैसिफिक जां पार्शियल है, पार्शियल है, ठीक है। इत्थे गल ही सिलेबस दित्ती कीती गई है, इसलिए ठीक है। अच्छा, करिकुलम इत्थे इक तक असीं कीता सी ऑल, आ देखो थ्री डायमेंशन ऑफ बिहेवियर, जिहड़ी मैं पिछे गल करके मैं चौथी डायमेंशन भी पा दित्ती क्योंकि वाइगोस्की नूं मैं शामिल करदा हाँ विच। करिकुलम इज नैवर कन्फाइंड टू क्लासरूम, बिल्कुल सही गल है, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग द टॉपिक तक ए मटीरियल तक नहीं सीमित। करिकुलम इज नैवर कन्फाइंड टू द क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द टॉपिक एंड मटीरियल प्रोवाइडेड इन द सिलेबस। यस, सिलेबस तक सीमित नहीं है, क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वाइडर है। इस करिकुलम ट्रांजैक्शन शब्द दूजा याद रखो, करिकुलम ट्रांजैक्शन लिए मॉर्निंग असेंबली विच, प्ले ग्राउंड विच, लैबोरेटरी विच, ईवन थोड़े टूर जिहड़े इधर उधर विजिट्स करवाइया जांदियां हन, प्रोजेक्ट्स दिते जांदे हन, सोसाइटी च जाण वाले प्रोजेक्ट दिते जांदे हन, वो सारा कुछ शामिल है। सो यह भी करिकुलम की सही डेफिनेशन है, यह भी सही डेफिनेशन है, सिलेबस की सही डेफिनेशन है, यह करिकुलम की डेफिनेशन नहीं है मेरे एक्सपीरियंस मुताबक। अगे चलते हाँ, नैक्सट साढ़े को क्वेश्चन है, विच एप्रोप्रिए विच अप्रोच ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑफ सोशल साइंस करिकुलम इज अडोप्टड वैन द टॉपिक क्लाइमेट विद वेरिंग डिफिकल्टी। मैं वेरिंग डिफिकल्टी अंडरलाइन किया, प्लेस्ड इन द करिकुलम डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट ग्रेड मतलब कि पंजवीं क्लास, छेवीं क्लास, सत्तवीं क्लास, अठवीं क्लास, मेरे सामने इदा एग्जाम्पल आ गई, मैं इस तरह सोचा, ऑफ स्कूल एजुकेशन सूटड टू एजुकेशनल एजुकेशनल एंड मैंटल लैवल्स, इन्हों के उत्कार लैवल जिदा बढ़ता जाता है उस तरह डिफिकल्टी बढ़ती जाए, ये लैवल बढ़ गया डिफिकल्टी बढ़ गई, लैवल बढ़ गया डिफिकल्टी बढ़ गई, लैवल बढ़ गया डिफिकल्टी बढ़ गई। वैसे जे इधर करके दसा तो इस ये अप्रोच डायरैक्टली ये बनती है, जे ब्रूनर की थ्यूरी तुसी पढ़ी हो अच्छी तरह, उसने एनैक्टिव देखो पहला बच्चे एनैक्टिव ना पढ़ाया जाता है, फिर वो वड्डा हो जाता है, फिर उसनों एनैक्टिव के नाल नाल आइकॉनिक इमेजिज भी शामिल की जा, फिर उसनों सिंबोलिक भी और वाइडर हो जाते हैं। ये जिस तरह अगे अगे बढ़ते हाँ उस तरह कॉम्पलैक्सिटी कॉम्पलैक्सिटी है ना गुंझलदारता, और इनू ही डिफिकल्टी कहने हैं, डिफिकल्टी लैवल कहने हैं, मतलब कि जिदा जिदा मैंटल लैवल इनक्रीज होंदा है उदा उदा डिफिकल्टी लैवल इनक्रीज होंदा है, और ये ग्रेड के हिसाब न चेंज होंदा जाता है। तो यह करिकुलम बन रहा है स्पायरल, स्पायरल स्पायरल करिकुलम किसने दिता, ब्रूनर की थ्यूरी विच तुहानू मिलेगा, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, और इसका दूसरा नाम की है वो ये दिता है केंद्रित पहुँच अप्रोच। हुण जे इसनों तुसी नॉलेज नाल, ये नॉलेज दे तरीके नाल सॉल्व किया है, हुण अपन नॉलेज तो बिना नाल सॉल्व करांगे, इसनों उड़ा दीए, चलो उड़ा दें हाँ, जिहड़ी एक इंटीग्रेटेड ते कोरिलेटेड अप्रोच है ये सिमिलर ने, सिमिलर विच राइट आंसर नहीं हुंदा, एक नुकता ये है, इट मीनस इन्हों डिलीट किया जाए, टॉपिकल ते इहदे विच कॉन्सेंट्रिक विच राइट आंसर छुपया हो सकता है। सो इन्हां विचों थोड़ा जिहा होर गैस ला के कॉन्सेंट्रिक वल फिर असी वध सकते हाँ। सो सिंपली इत्थे बेशक तुसी इत्थों कन्फ्यूज हो रहे हो, इत्थे मतलब इहदा बनता है कि छोटी क्लास नूं क्लाइमेट है, इत्थे जिद्दां मैं बनाया है डायग्राम उहदे विच देख सकते हो क्लाइमेट बनाया है, इत्थे सिर्फ क्लाइमेट का एक्सपीरियंस दोगे है ना, इत्थे क्लाइमेट दीआं इमेजेस दिखाओगे, इत्थे क्लाइमेट दे बारे मैटर नू स्टडी भी करवाओगे, इमेज भी दिखाओगे, और पार्टिसिपेट भी क्लाइमेट नू एक्शन दे जरिए स्टडी भी कीता जाएगा। सो इस तरह डिफिकल्टी लैवल इसका वधदा है, राइट अप्रोच इहदी कंसेंट्रिक अप्रोच बन रही है, जिसका दूसरा नाम स्पायरल अप्रोच भी है। टीचर वांट टू डिवेलप अमंग पीपल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ईवेंट, जदों ही क्रोनोलॉजिकल शब्द आता है टाइम नाल ही मेरे मन च आ जाता है, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ ईवेंट टाइमलाइन एकदम बन रही है,
ओके टाइम लाइन कदों यूज करती जाती है जो डेट्स हिस्टरी दी तो ही डेट्स से फोकस करना हो ज्यादातर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज मोस्ट सूटेबल फॉर अ टीचर अध्यापक विद्यार्थियों के दरमियाने इतिहासिक घटनाओं के क्रमिक तरतीब नू विकसित करना चाहता है निम्नलिखित केड़ी युक्ति जड़ी है वह ढुकवी होएगी हुण टाइम लाइन इतने स्पष्ट साफ है लेकिन इतने जिहड़ा ऑड मैन आउट जे अपलाई करना है तुसी वो तां ही अपलाई हो सकता है जेकर तुहानूं इन्हां दी सूटेबिलिटी राइट नॉलेज पता है टाइम चार्ट जिहड़ा हुंदा है एक चार्ट दे उत्ते जां पेपर दे उत्ते बच्चा रेलेवेंट इमेजेस चिपकाउंदा है पेस्ट करता है सो अजिहा नहीं हो रहा ओके टाइम ग्राफ की है जो दो या दो तो वद हिस्टोरिकल ईवेंट्स का कंपैरिजन करना होवे कंपेयर करना होवे सो ये नॉलेज वाली गल्लां है इत्थे तुक्का ज़्यादा जिहड़ा है लॉजिकल ट्रिक ज़्यादा नहीं लगता दिखाई देता अगे चलते हाँ नैक्सट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी बिलोंग टू साइकोमोटर डोमेन हार्लो 972 ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जे तुक्का लगाना है एनालिसिस इज प्योरली रिलेटेड विद जो एनालिसिस करते हैं इनफोरमेशन का करते हैं जो इनफोरमेशन आती है तो ये कोगनेटिव डोमेन विच आ गई ठीक है और आइडियाज़ नू तुसी ऑर्गेनाइज करते हो जिवें प्याजे की थ्यूरी विच ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा कंसैप्ट है ओदी कोगनेटिव थ्यूरी है सो उतों अंदाजा मैं लगाया कि ये दो कोगनेशन नाल रिलेटेड है इन्हां नू डिलीट कर दिता गया हुण मेरे दिमाग विच सिर्फ ये है कि रिसीविंग एंड परसैप्चुअल एबिलिटीज इहदे विचों मेरी तुक्का लगाउण दी ताकत देख रही है हुण इहदे विचों मैं एक नू चूज करांगा जे मेरे को नॉलेज नहीं है इस नाल 50% प्रोबेबिलिटी वधदी कि मैं राइट आंसर नू चूज करांगा एक्चुअल विच राइट आंसर है परसैप्चुअल एबिलिटी परसैप्चुअल एबिलिटी की है कि टीचर कुछ कहता है और बच्चा उसनों देखता है तो रिस्पोंस दिता है रिस्पोंस बिहेवियरिज्म का एक पार्ट है रिस्पोंस एक एक्शन ही होता है और ओवरट बिहेवियर है जिहड़ा देखिया ऑब्जर्व किया जा सकता है दैट इज़ वाई परसैप्चुअल एबिलिटी नू साइकोमोटर डोमेन विच रखिया सी हार्लो ने इस दी तरतीब भी ये देखनी है एक्चुअल विच तुसी देख सकते हो इत्थे ओके रिफ्लैक्स मूवमेंट फंडामेंटल मूवमेंट्स ये मूवमेंट शब्द दसदा है कि ये साइकोमोटर है परसैप्चुअल एबिलिटीज रिस्पोंस टू ए स्टिमुलस सच एज विजुअल एंड ऑडिटरी ओके ये जिहड़ा रिस्पोंस है उसनू साइकोमोटर बनाउंदा है फिजिकल एबिलिटी फिटनेस फिजिकल शब्द ने मोटर नाल जोड़ता स्किल्ड मूवमेंट इसने उन्हें जोड़ता दैट इज वाई ए वाली ऑप्शन नहीं पाई गई नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन यूज ऑफ इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट है मोटर एक्शन विच आ गई सो ये अगे तो ध्यान रखने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करना है अगे चलते हाँ इंस्टीट्यूट वांट टू डिवेलप द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ वेरियस सैक्टर्स अंडर वेरियस अंपायर अंडर पर्टिकुलर डेंसिटी वेरी कॉम्पलैक्स इस मैं सौखा कराँगा पर्टिकुलर डेंसिटी एक डेंसिटी है ठीक है मौर्या जो भी है उहदे अंडर वेरियस अंपायर मैंने कहा एक अंपायर दो अंपायर तीन अंपायर होए ठीक है उत्थे इन्ना कंपलैक्स नहीं करना उत्थे दो भी बना सकते हो ठीक है तो उन्होंने डिवेलपमेंट इन्होंने डिवेलपमेंट किदा हुई इदा 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 हुई इदा 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 हुई इदा 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 हुई इन्हों का कंपेयर इन्हों कंपेयर करना ठीक है ये सौखा हो गया सो ये की है उत्तर की है टाइम चार्ट है टाइम लाइन है टाइम ग्राफ है डिस्कशन है डिस्कशन पहला ही बाहर हो गया क्योंकि इन्हें एड पूछी है डिस्कशन इज नॉट एड इसलिए बाहर हो गया टाइम लाइन डेट सिर्फ डोमीनेट कर दिया है मेरे मुताबिक टाइम लाइन बाहर हो गया हुण टाइम चार्ट जिहदे विच तुसी बच्चा एक चार्ट ते जां एक पेपर ते पिक्चर्स नू पेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू जो भी डेंसिटी जां जिस बारे हिस्टोरिकल पार्ट बारे पढ़ना है वह भी नहीं है सो साडे को बोलिया टाइम ग्राफ मेरे मुताबिक बेस्ट आंसर इहदे विच टाइम ग्राफ है जिहदे विच कंपेयर कर सकते हाँ कुछ एक डेफिनेशन मैं लभियां सी इन्हां तिन्हां दियां तुसी इत्थों देख सकते हो इन्हां दे विच ए है ना
इत्थे टाइमलाइन प्रोग्रेसिव जां रिग्रेसिव कोई भी हो सकती है, वधदे जां घटदे क्रम विच। इत्थे लिस्ट ऑफ पिक्चर्स है चार्ट विच। इत्थे है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्टन इवेंट्स टाइम ग्राफ, दैट इज़ वाई मैं इसनों राइट आंसर चूज कर रहा हाँ।